हमारे साथ में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं वे, विद्वान हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि भारतीय गणतंत्र जो 1950 में लागू हुआ, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर से लेकर संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था कि कैसा देश बनना चाहिए, कैसे लोकतंत्र चलना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, ये तमाम जो सपने देखे थे वो आज कहाँ हैं, और जो वर्तमान सरकार जो चल रही है वह सरकार कहाँ तक लोकतांत्रिक मान्यताओं का लागू करने की कोशिश कर रही है, संवैधानिक मर्यादाओं में चल रही है, बताएं लक्ष्मण यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया राम स्वरूप जी और बहुजन संवाद मंच के सभी आयोजकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और शुक्रिया कि उन्होंने इतने जरूरी सवाल पर ये बातचीत आयोजित की है और उसमें मुझे आमंत्रित किया है। बहुजन संवाद उस भूमिका में है जिस भूमिका की अपेक्षा भारत के संविधान में की गई थी। वो भूमिका क्या थी कि हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि जो संविधान किताब के पन्नों पर दर्ज किया गया है वो लोगों की जिंदगियों में कैसे सार्थक उतारा जा सके। आज 26 जनवरी है, 73 साल हो गए, 73वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, और आज के दिन इस बात की हम शपथ लेते हैं और एक खास किस्म के रूढ़िवाद से ग्रस्त हो गए हैं कि हम केवल गौरवगान करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि ने एक कविता लिखी है, आप सब उससे वाकिफ हैं, कि राष्ट्रगान में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजा। जनतंत्र, गणतंत्र ये केवल शब्दों या भौगोलिक सीमाओं से नहीं बनता, ये विचार से बनता है। मैं अभी सुन रहा था अपने वरिष्ठ अग्रज प्रोफेसर आनंद कुमार को, जब वो लोकशाही के असली रूप पर अपनी बात रख रहे थे, और आखिरी में उन्होंने जब ये बात कही कि जनतंत्र की प्रसव पीड़ा का एक दौर चल रहा है, करवट लेता दौर है, उन्हीं की बात को सहमति के साथ आगे बढ़ाते हुए मैं जो देख पा रहा हूं उसमें एक दो बिंदु बस जोड़ना चाहता हूं। असल में एक नागरिक के तौर पर इस गणतंत्र के गण की जरूरत क्या थी, जिम्मेदारी क्या थी कि वो तंत्र पर निगहबानी करेगा। इस देश को कैसा होना चाहिए इस ख्याल को पिरोया गया था भारत के संविधान में। संविधान की प्रस्तावना में दर्ज समता, समानता, न्याय, बंधुता, इन मूल्यों से लेकर सभी अनुच्छेदों के बीच एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसके लिए बाबा साहब ने कहा कि यह संविधान तब केवल कागजों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर उसके लागू करने के लोग अच्छे नहीं मिलेंगे तो नियम कितना भी बेहतर बना लें वो लोगों की जिंदगियों तक कहां पहुंच पाता है। आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की संकल्पना एक राष्ट्र के रूप में कैसी होगी, उसके दस्तावेज का नाम है भारत का संविधान। इस देश में हजारों साल से उस तबके को जिसे मनुष्य ही नहीं समझा गया, वो शोषित, वंचित रहा, अछूत रहा, उनकी पीढ़ियों के जहन में, उनकी नजर में भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। वो दलित समाज की नजर में जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जो आदिवासी तबका जिसकी अगुवाई करते हुए संविधान सभा की बहस में जयपाल सिंह मुंडा ने ललकारते हुए कहा था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल्यवासी हैं, आप हमें लोकतंत्र न सिखाएं, हमसे आपको लोकतंत्र सीखना चाहिए, हम सवाल पूछते हैं कि इस नए बनते हुए राष्ट्र में हम आदिवासियों की जगह कहां है। तो उन आदिवासियों की नजर और जहन में भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। इस देश में जो पर कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए, तमाम वे दलित पिछड़े लोग जो धर्म बदल गया लेकिन जातिगत पेशा और जातिगत सामाजिक अवस्थिति नहीं बदली, वो पसमांदा तबके में गए,
सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी आजादी के 7 दशक बाद भी कहती रही कि उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं। उन पसमांदा तबके के लोगों के बीच भी अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी जैसे नायकों की अगुवाई में चल रहे आंदोलन के जहन में भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। इस देश में वे कृषक कामगार जातियां, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई वे जातियां जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया, उनके जहन में भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। और इस देश की आधी आबादी जो हाशिए पर रखी गई एक पितृ सत्तात्मक सामंती जातिवादी समाज के तौर पर, हमने उन्हें घर में कैद रखा, उस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी के बीच भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। इन सब आइडिया ऑफ इंडिया को मिला करके एक राष्ट्र बनना था भारत, और उसके बनने के रास्ते को दिखाया भारत के संविधान ने। एक बहुत बड़े एजेंडे और बहुत बड़े मिशन का नाम था भारत का संविधान। और बाबा साहब ने उस समय भी एक बात कही थी कि हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं, हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर न हुई तो राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं होंगे। आज 73 साल बाद 26 नवंबर 1949 का उनका वह भाषण याद आ रहा है कि हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज अपनी पीढ़ी के लोगों के बीच, अपने आसपास में चल रहे जन आंदोलनों के बीच, हाशिए पर ढकेले गए और लगातार ढकेले जा रहे लोगों के बीच, उनकी आंखों में झांक कर जब मैं देखता हूं तो अफसोस होता है कि उनकी पीढ़ियों के जो भीतर आइडिया ऑफ इंडिया था वो कमजोर पड़ता जा रहा है, गण कमजोर होता जा रहा है, तंत्र हावी होता जा रहा है। एक तरफ वो कोविड जैसी महामारी के बीच श्रमिक कानूनों को बना करके उन लोगों को और कमजोर कर दिए जिन्होंने 90 के दशक में स्वीकार की गई नव उदारवादी नीतियों के बाद अपने हाथ के धंधे खो दिए। उदारवादी नीतियों ने उनके हाथ के पुश्तैनी पेशे छीन लिए उनसे, और मशीनीकरण ने उनको नए रोजगार के अवसर मुहैया नहीं कराए। जिनके हाथ काम के बिना बेरोजगार हो गए, आज उन लोगों को निजी हाथों में सारे पब्लिक सेक्टर को बेच करके स्थिर बेरोजगारी, स्थायी बेरोजगारी की तरफ ढकेला जा रहा है। मुझे वहां राष्ट्र खतरे में नजर आता है। नई शिक्षा नीति के नाम पर उसी कोविड के समय जब तीन पूरे देश में दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हम नफरत फैला रहे थे तबलीगी जमात और तमाम नामों के आधार पर, उसी दौर में जब 3 श्रमिक कानून लाए गए और श्रमिकों के संगठन ट्रेड यूनियन बनाने तक के अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, वो ट्रेड यूनियन पहले से इतने कमजोर हो चुके थे कि वो तो अपने लिए लड़ भी ना पाए। उसी समय 3 कृषक कानून लाए गए, किसानों में से कुछ ताकतवर समझदार जागरूक किसानों ने उस दूरदृष्टि से पहचान लिया कि अगर ये 3 कृषक कानून लागू हो गए तो ये फसलें और नस्लें हमारी दोनों बर्बाद हो जाएंगी, दोनों निजी हाथों में बिक जाएंगी। वो अड़ गए, लड़ गए और जीत कर वापस लौटे। फौरी जीत ही सही, मगर उन्होंने अपने को बिकने और बर्बाद होने से रोक लिया, गढ़ का तंत्र जीता। और उसी कोविड के समय 3रा कानून पेश हुआ था। मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए इस बात पर ज्यादा जोर दे करके अपने सुनने वाले सभी लोगों से यह संकेत कर रहा हूं कि राष्ट्र खतरे में कहां है, तो राष्ट्र खतरे में है नई शिक्षा नीति 2020 के पीछे। नई शिक्षा नीति 2020 ने जो क्लॉजेज लाए हैं, जो कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए केवल इशारे में बता रहा हूं, कभी मौका मिले तो तफसील से अपने आने वाले बच्चों के लिए पढ़िए और जानिए कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, क्लोजिंग मर्जर, मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन मिल रहे हैं उनको कोऑप्ट करना, लीव करना, क्रेडिट सिस्टम का पाठ्यक्रम बनाना, और इन सब के साथ, इन सब के पीछे जो दिखाया जा रहा है कि हम अपने भारतीय भाषाओं को प्रमोट करेंगे, वैदिक विज्ञान में विज्ञान खोजेंगे, हम लोगों को मजबूत करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्लोजर मर्जर, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और ये सारे प्रावधान किस तरह से लाए गए हैं कि ये सारी उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अंबानी अडानी जैसे निजीकरण और पूंजीवाद के हाथों बिक गई है और ये लागू हो चुका है। तो मेरा कहना ये है
कि राष्ट्र में खतरे में कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र में खतरे में कोई जाति इस तरह से नहीं है। हालांकि जातिवाद किस कदर है वो आप देख रहे हैं, हाथरस से लेकर के उन्नाव और तमाम जगहों पर इस देश के वंचित शोषित जमात के साथ क्या भेदभाव हो रहा है वो इस राष्ट्र में सबके सामने है। यानी गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बीमारी, ये वे समस्याएं हैं जो जाति देखकर वार नहीं करती, मगर इसके साथ कुछ मानव जनित समस्याएं हैं जो जाति देख करके ही वार करती। कौशल्या वासंतेई के उपन्यास का शीर्षक उधार लेकर के मैं कहूं तो ये वो तबका है जो दोहरा अभिशाप झेल रहा होता है। इस महिलाएं जो वंचित शोषित जमात की महिलाएं, मजदूर, किसान, जो हाथ सिर्फ कुटीर उद्योग वाले लोग, कमजोर लोग जिनके जहन में एक आइडिया ऑफ इंडिया था, जिनके सपनों का भारत एक बनना था, जिनके सपनों के भारत को 73 साल बाद अगर विश्लेषित करेंगे तो वो यहां खड़ा है जहां अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं। बाबा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत क्या था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एक नारा लगाया करते थे, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। मेरा सवाल है कि अगर यह भारत लोहिया के सपनों का भारत है तो भारत में कितने ऐसी जगह हैं जहां 60% उन पिछड़ों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला? 60% ब्यूरोक्रेट, वकील, जज, प्रोफेसर, व्यापारी, उद्योगपति, 60% नौकरियां, 60% जमीन पर मालिकाना हक, क्या इस देश में पिछड़े तबके को मिला? उसी नारे को बाबू जगदेव प्रसाद ने आगे बढ़ाकर, रामस्वरूप वर्मा ने आगे बढ़ाकर कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90% हमारा है। ये केवल संख्याओं का हक के लिए बोलना नहीं है, हालांकि मैं जानता हूं संख्याओं की अहमियत क्या है। इकबाल ने शेर लिखा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अंबानी और अडानी को अगर तौलने लगेंगे तो करोड़ों करोड़ भारतीय एक पल्ले पर रहेंगे और दूसरे पल्ले पर चंद उद्योगपति। 1% लोगों के पास इस देश के 73% लोगों का संसाधन कब्जा है। ऐसे समय में मेरा सवाल है कि वो आइडिया ऑफ इंडिया, क्या हम वहां पहुंचे कि जो 90% शोषित जमात थी, जो सदियों से पीड़ित शोषित थी, उसे शिक्षा नहीं मिले, उसे रोजगार नहीं मिला, उसे आत्मसम्मान नहीं मिला, वो आज कहां है? कबीर रैदास के सपनों का भारत कहां है? जब कबीर कहते थे अरे इंदौन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखे तुर्कन की तुर्काई, जो तो बाबन बाबनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया, जो तो तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। ये जो सपना था कबीर का वो आज क्या पूरा हो रहा है? रदास ने कहा जस केलन की पात पात में पात, तस मानुष की जात में जात, जात में जात, रदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। क्या हमने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को इस देश का एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया? नहीं बनाया। तो रैदास का, कबीर का, नानक का, पलटू दादू भीखा का, बाबा फरीद और बुल्ले शाह के सपनों का भारत हम नहीं बना पाए। हम गौतम बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बना पाए। हम ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, हम ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अब्दुल कयूम अंसारी और आसिम बिहारी शाहू जी से लेकर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत नहीं बना पाए। भगत सिंह एक लेख में लिखते हैं विद्यार्थी बनाम राजनीति में कि हम राजनीति इसलिए करो विद्यार्थियों क्योंकि राजनीति का तुम्हारे जीवन पर असर होता है। उसी बात को डॉक्टर लोहिया व्यवस्थित तरीके से कहते हैं कि अगर आप राजनीति, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। हम आज कहां पहुंचे? कि मेरा कहना है, मैं ज्यादा समय न लेकर के इशारों में जो मैंने बातें कही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के नौजवान जिन्हें ये बरगलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है, आपका राष्ट्र खतरे में है, मैं उनसे एक अपील कर रहा हूं कि ठहरें, पीछे घूम कर देखें, आपका अतीत खतरे में था, आपका वर्तमान खतरे में है और आपका व आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनकी शिक्षा अब उनके हाथ से छीन ली गई, प्राइवेट स्कूलों से लेकर प्राइवेट विश्वविद्यालयों में अब उन्हीं घरों के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे जिनकी जेब में पैसा होगा। यानी आपके पैदा होते ही अब यह तय होने लगेगा
कि आपको शिक्षा कैसे मिलेगी, आपको नौकरी कैसे मिलेगी। कर लाखों रुपए दे करके आईएएस आईपीएस से लेकर के आईआईटी एमबीए मेडिकल इंजीनियरिंग हर बड़ी परीक्षाओं की तैयारी तो लाखों रुपए की कोचिंग से होने लगी। आपने शिक्षा व्यवस्था को कहां खड़ा कर दिया। और नई शिक्षा नीति कहती है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों का क्लोजर और मर्जर होगा, यानी जब नए विश्वविद्यालय और स्कूल खोले जाने थे आप स्कूलों को बंद करने की पॉलिसी ले आ रहे हैं। इस देश में जब स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए आंदोलन होना चाहिए था तब इस देश के नौजवान और अंधभक्ति में बौद्धिक रूप से गुलाम बनाए लोग मंदिर के लिए लड़ रहे थे। हम वहां पहुंचे, वो आइडिया ऑफ इंडिया जो जहन में था, जो भारत के संविधान में अक्षरों के रूप में दर्ज हुआ, वो हमारी जिंदगियों तक नहीं पहुंच पाए। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि हमें कुछ हासिल ही ना हुआ। हमने 73 साल में बहुत कुछ हासिल किया और हम यहां बैठकर बातचीत कर रहे हैं, हम अपने सरकारों की आलोचनाएं कर रहे हैं, यह जानते हुए कि हाँ इन सरकारों की आलोचना करना हमारा लोकतांत्रिक धर्म है। मगर इस मंच से मैं याद करूंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने प्रोफेसर हनी बाबू को जो जेल में है, भीमा कोरेगांव के नाम पर जेल में, उमर खालिद से लेकर के तमाम नौजवान जेल में, जिन्हें विश्वविद्यालयों में पढ़ना पढ़ाना चाहिए था उन्हें जेल में रखा गया। जो सवाल पूछते हैं किसानों को आतताई, श्रमिकों को बोलना, और अभी मैं जब यहां बात कर रहा हूं मेरी अपनी जमीन इलाहाबाद जहां से मैंने पढ़ाई की उसी इलाहाबाद में नौकरी मांग रहे नौजवानों को घर में घुस करके पुलिस ने बूटों और लाठियों से जिस बेरहमी से मारा है, क्या यही गणतंत्र है? आप मंदिर बचाते रह गए, आप धर्म बचाते रह गए और आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार आपसे छीन लिया गया। अगर अभी, हालांकि देर हो गई, जामिया जेएनयू पर हमला हुआ तो आप नहीं बोले, किसानों पर हमला हुआ तो आप नहीं बोले, अब आप पर हमला हो रहा है तो क्या होगा। मैं बात कह रहा हूं वीरेन डंगवाल की कविता से, अपनी बात को अब खत्म करूंगा। वीरेन डंगवाल हमारे एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा कि आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है, अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। बहुजन संवाद या ऐसे तमाम फोरम, तमाम बुद्धिजीवी, हमारे अग्रज प्रोफेसर आनंद कुमार जी और इस फोरम पर बैठे तमाम वरिष्ठ लोगों को देख करके उनसे हौसला लेकर के मैं भी इस उम्मीद में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि भारत का संविधान अभी लोगों के जहन तक पहुंचना बाकी है। मुश्किलें बहुत चौतरफा हैं, हम बहुत मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। अगर आज हम अपने वर्तमान को न बचा पाए तो भविष्य में केवल किताब में याद करने को रह जाएगा कि हमारे यहाँ कोई संविधान हुआ करता था, और कमजोर पहले मारे जाएंगे उसके बाद सबका नंबर आएगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।